तो लाइट चली गई, लपका करी। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो हम आप सभी लोगों के लिए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो नाश्ते में क्या बना रहे हैं वो सब देखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे हम जला लिए चूल्हा, चूल्हे पर बना रहे हैं और चूल्हे पर रख दिए बड़ा सा बर्तन, उसमें पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं। देख लीजिए हमारे पानी में उबाल आ रहा है, भाप बन गया है। और यहाँ पर हम चावल का आटा छान के ले लिए हैं। अभी इस आटे को हम गर्म पानी से गूँथेंगे, तो आगे दिखा रहे हैं हम आपको। तो हमारा पानी गर्म हो गया है। अब गर्म पानी हम आटे में डाल के आटा हम गूँथेंगे, क्योंकि चावल का आटा ठंडे पानी में नहीं गूँथा जाता है, तो हम गर्म पानी में ही गूँथेंगे इस तरीके से। अभी पानी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम हाथों का सहारा भी नहीं लेंगे, इसलिए हम करछी से हम चला रहे हैं। फाइनली दोस्तों हमारा आटा गुथा गया है। देख लीजिए चावल का आटा हम गूँथ लिए हैं, देख लीजिए बहुत अच्छा हमारा आटा गुथा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मटर का दाल भिगा दिए थे सुबेरे में, हमारा 4 से 5 घंटा दाल हमारा भीगा है, फूल गया है, तो उसको मिक्सी जार में पीस लिए हैं। और यहाँ पे इसमें स्वाद अनुसार नमक, मिर्चा, लहसुन, अदरक डाल दिए हैं और घानी डाल दिए हैं। डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम चावल के हरा बनाएंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहिए, देखिएगा ये बहुत ही टेस्टी बनता है। हम आटे का लोई हम तोड़ लेते हैं हाथों से और इसे इस तरीके से हम गोल करते हुए बनाएंगे और इसको ऐसे करके हम हाथों से हम चिपटा करेंगे, इसको इस तरीके से हम बनाएंगे। और जो हम दाल को पीस लिए हैं उसको इसमें रखेंगे ऐसे, और इसको हल्का साइज से करके हम फोल्ड करेंगे। ऐसे हम पूरा बना रहे हैं, आपको फिर दिखा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा इतना फरा बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे हम रख दिए हैं बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने के लिए। पानी हमारा नीचे गर्म हो रहा है और ऊपर रख दिए हैं हम छेद वाली थाली रख दी ऊपर हमारा थाली। देख लीजिए भाप बन गया, ऊपर से दिख रहा है। अब इसको हम फरे को रख रहे हैं ऊपर से, इस तरीके से हम फरे को भाप में पकाएंगे। देखिए फरा हम थाली में डाल दे रहे हैं, तो हमारा पूरा फरा रखा गया है, देख लीजिए। अब ऊपर से हम इसको लंबे वाले फरे जो है उसको भी डाल देते हैं इस तरीके से। अब एक बार हम इस तरीके से कवर करके भाप में अच्छी तरीके से पका लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं। यानी दोस्तों देख लीजिए अंधेरा हो गया है और बाहर लाइट भी नहीं है इस समय, तो आपको अंधेरे में दिखा रहे हैं मोबाइल के उजाले में हम। तो हमारा जो फरा है हो गया है, देख लीजिए उजाले नहीं है इसलिए दिख नहीं पा रहा है। तो देख लीजिए हमारा फरा जो है हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। यहाँ पर हम एक बर्तन ले लिए हैं थाली। अब जो हमारा फरा है ये देख लीजिए हो गया है, हम निकाल रहे हैं इसको। तो हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, इसमें पकड़ लिया है। तो देख लीजिए दोस्तों हमारा फरा बन के रेडी हो गया है, आपको अंधेरे में दिखा रहे हैं, उजाला नहीं है। तो ये गर्मा गर्म फरा बहुत अच्छा लगता है, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं और नहीं तो आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। फ्राई करने में ये और स्पाइसी हो जाएगा, तो आप इसको तेल में फ्राई करके इसको सॉस के साथ या हरी धनिया चटनी के साथ खा सकते हैं। तो सॉरी माफ़ कीजिएगा क्योंकि और वीडियो आगे नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। तो वीडियो को बंद करते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।